2, 4, 6, 8 और आगे 10, ऑब्वियस बात है. 3, 6, 9, 12 और आगे 15, ऑब्वियसली. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और आगे 5,000. ओके, और अगर आपको बोला जाए कि आपकी सैलरी इस मंथ 10,000 है, नेक्स्ट मंथ 20,000 है, उसके नेक्स्ट मंथ 30,000 है, और उसके नेक्स्ट मंथ 40,000 है, तो उसके नेक्स्ट मंथ क्या होगी? 50,000. सिंपल सी बात है, आप यही बोलोगे. तो ये सब क्या है? यही तो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जब कोई नंबर किसी पर्टिकुलर पैटर्न के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ, जब कोई नंबर किसी पर्टिकुलर गैप, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जब वो किसी पर्टिकुलर गैप के साथ में आगे बढ़ रहे हो, उसी को बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और जब इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, इसी पैटर्न के अंदर आपसे बोला जाए कि 20th नंबर क्या होगा इस पैटर्न के अंदर, या फिर 100th नंबर क्या होगा, या फिर 1,000th नंबर क्या होगा, तो ये सब हम फाइंड करेंगे इस चैप्टर के अंदर. या फिर आपसे पूछा जाए कि ये जो सारे 20 नंबर्स हैं, या फिर जो ये 100 नंबर्स हैं, या फिर ये 1,000 नंबर्स हैं, इन सबका सम क्या होगा, ये सब कुछ हम फाइंड करेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com. आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और आगे के कुछ वीडियोस में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो चलो आगे का हम इसको स्टार्ट करते हैं. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लाइक यहाँ पे देखो, आपको एक सीरीज गिवन है. सीरीज का मतलब क्या है? जब आपके पास में बहुत सारे नंबर्स एक साथ में ग्रुप में हो किसी पर्टिकुलर पैटर्न के साथ में, तो उनको हम सीरीज बोलते हैं. तो यहाँ पे आपके पास में एक सीरीज गिवन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ पे एक पैटर्न चल रहा है, सबके बीच में एक प्लस वन का गैप है. प्लस वन प्लस वन, 2 में प्लस वन करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 में प्लस वन करोगे तो 4 आ जाएगा, ऐसे ही 6 में प्लस वन करोगे तो 7 आ जाएगा. तो ये क्या है? एक पैटर्न में चल रहा है, सबके बीच में एक पर्टिकुलर गैप आ रहा है, वन का गैप आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एपी. ऐसे ही अगर हमारे पास में नंबर बड़ा हो, 7 + 7 + 7, तो ये भी क्या है? आपकी एपी. अब आप बता सकते हैं 35 में अगर आप प्लस 7 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 42. ये आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा. ऐसे ही अगर आपके पास में नेगेटिव नंबर हो तो क्या वहां पे भी एपी लगती है? यस, वहां पे भी लगती है. बस शर्त क्या है कि इनके बीच में जो गैप है वो इक्वल आना चाहिए. तो देखो यहाँ पे -10 - -2 के बीच में +2 का गैप है, ऐसे ही -8 - -6 के बीच में +2 का गैप है, ऐसे ही -6 - -4 के बीच में +2 का गैप है. तो यानी गैप जब हर एक टर्म के बीच में गैप सेम आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे क्या? एपी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला, दैट इज टर्म. यहाँ पे मैंने एक टर्म वर्ड बोला. यहाँ पे टर्म से मतलब क्या है? ये टर्म जो आपके यहाँ पे एक एक नंबर्स है ना, ये जैसे -8 - -10 - -6, ये सब आपके टर्म्स हैं, इनको हम टर्म्स कहते हैं. यानी इस सीरीज के जो नंबर्स हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं. जैसे ये 7, 14, ये सब आपके टर्म्स हैं. ऐसे ही हम आगे नंबर्स में बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे 20, 15, 10, 5, यहाँ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है इनके बीच में. यानी 20 - 5 दैट इज 15, 15 - 5 दैट इज 10, 10 - 5 दैट इज 5. हर के बीच में -5 का गैप आ रहा है. यानी गैप जो है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है. जब आपके पास में नेगेटिव गैप आए तब भी हम उसको क्या बोलते हैं? एपी. तो अब आप बता सकते हैं इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5 - 5 - 0, और उसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 0 - 5 यानी -5. इस तरह से नंबर्स आगे बढ़ते जा रहे हैं. और अगर हम आगे देखें तो देखो नेक्स्ट वाले में देखो 2, 2, 2, 2, यहाँ तो सारे नंबर सेम है. यानी इनके बीच का जो गैप है सबके बीच में 0, 0 है. ऑब्वियस बात है, अब मैंने आपको एक बात बोली कि आपके पास में गैप इक्वल होना चाहिए. तो गैप चाहे 0 हो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर गैप सेम है तो वो एपी है. तो यानी ये भी एपी है. तो आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 में 0 ऐड कर दो, या फिर नेक्स्ट नंबर क्या हो गया? 2 ही हो गया. सिंपल सी बात है. और उसका नेक्स्ट नंबर भी 2 ही हो गया, क्योंकि इनके बीच में गैप क्या है? सेम है, वो चाहे 0 ही क्यों ना हो. आगे अब जो एपी है वो डेसिमल में भी लगती है. देखो 0.5, 1.5, 2.5, कितने का गैप आ रहा है? +1 का. यानी डेसिमल पे भी यहाँ पे एपी वर्क कर रही है. यहाँ पे भी सब में +1 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे भी एपी वर्क कर रही है. तो यानी ये भी एपी है. और +1 ऐड करने पे क्या आया आपका? 5.5. तो आपके पास में नेक्स्ट टर्म भी आ गई है. ऐसे ही जो आपकी जो एपी है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो फ्रैक्शन पे भी वर्क करती है. 1/2, 3/2, 5/2, तो देखो सबके बीच में गैप कितने का आ रहा है?
टू अपॉन टू का गैप यानी वन का गैप आ रहा है सबके बीच में, तो वन का गैप हर तरफ से आ रहा है, तो यानी ये भी क्या है, सेम गैप आ रहा है हर बार, तो यानी ये भी क्या है, एपी है। और आगे का नंबर आप बता सकते हैं, प्लस वन एड कर दो सेवन अपॉन टू में, दैट इज नाइन अपॉन टू। यानी आप ऊपर वाले में देखो इनके न्यूमरेटर को भी चेक कर सकते हो, सबके डिनोमिनेटर टू 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 है और न्यूमरेटर देखो वन थ्री फाइव सेवन, यहाँ पे पैटर्न चल रहा है, तो आप बता सकते हो नाइन अपॉन टू इसका नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। और ऐसे ही जब आपके पास में यहाँ पे एल्जेब्रिक टर्म्स दे रखी है, एल्जेब्रिक टर्म्स दे रखी है, तब वहां पे भी आपकी एपी लगती है। उसके लिए देखो यहाँ पे ए और टू ए के बीच में ए आ रहा है, ऐसे ही टू ए और थ्री ए के बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, थ्री ए और फोर ए के बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इन सबके बीच में ए गैप, ए का गैप आ रहा है, तो ऐसे ही फोर ए प्लस फाइव ए का क्या आएगा, यानी फाइव ए आ रहा है, फाइव ए में फिर से ऐड किया ए सिक्स ए आ गया, तो सबके बीच में ए ए ए का गैप आ रहा है, तो यानी ये भी एपी है। यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके एल्जेब्रा पे भी लगती है। इसका मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सिंपल सा टर्म ये है कि आपके पास में जो आपका जो डिफरेंस है दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए, आपका पैटर्न सेम चलते रहना चाहिए, बस यही एक इसका रूल है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट में कि किसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। आगे के वीडियोस में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस कवर करेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक से भी क्वेश्चंस होंगे और आरडी शर्मा से भी बुक्स के क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको बहुत वैल्यूएबल यहाँ पे वीडियोज मिलेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, आई प्रोमिस टू यू। एंड प्लीज शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, और कुछ अगर समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, आप वो मुझसे डाउट पूछिए, मैं आपको जरूर से आंसर करूंगी, या तो मैं मेल, आप मुझे मेल कीजिए या फिर आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।